हेलो मित्रों, यूनिक नॉलेज सिटी में आप सभी का स्वागत है एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रिलिंग ऑपरेशंस। सो ड्रिलिंग ऑपरेशंस कौन कौन से आते हैं वो हम देखेंगे आज सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिलिंग ऑपरेशंस सबसे पहला है इट्स एल्फ ड्रिलिंग सेकेंड ऑपरेशन दैट इज रीमिंग थर्ड ऑपरेशन दैट इज़ बोरिंग फोर्थ ऑपरेशन दैट इज काउंटर बोरिंग फिफ्थ ऑपरेशन दैट इज काउंटर सिंकिंग सिक्स ऑपरेशन दैट इज स्पॉट फेसिंग एंड सेवंथ वन दैट ऑपरेशन इज़ टैपिंग सो ये सात ड्रिलिंग ऑपरेशन्स आज हम देखने वाले हैं और वो प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं सो so, यहाँ पे आपको मैं जिप फाइल से मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा द फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज ड्रिलिंग और ड्रिलिंग है कोई भी वक्त पी से उसमें जब फर्स्ट टाइम हॉल क्रिएट करना है तो ड्रिलिंग ऑपरेशन का यूज़ होता है और ड्रिलिंग एंड लेथ मशीन के ऑपरेशन में डिफरेंस ये रहता है कि ड्रिलिंग मशीन पे जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसमें टूल रोटेट होता है जबकि लेथ मशीन के ऑपरेशन में टूल है वो सिर्फ रेसिप करता है जबकि वक़पिस है वो रोटेट करता है सो so, यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन आप देख सकते हो कि ये जो है वो वक़पिस है और उसमें अगर हमको फर्स्ट टाइम हॉल क्रिएट करना है तो ये ड्रिल बिट की हेल्प से जो टूल यूज होता है वो ड्रिल बिट है और उसकी हेल्प से हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं सेकेंड वन दैट ऑपरेशन इज रिमिंग अगर कोई ऑलरेडी हॉल बना दिया है पहले से और वो हॉल को हमको फिनिशिंग देना है ठीक है कोई ऑपरेशन से हमने पहले ड्रिलिंग कर दिया है हॉल बना दिया है और अगर इंटरनल सरफेस को हमको स्मूथ बनाना है ठीक है अंदर की सरफेस को हमको स्मूथ बनाना है जो भी बर्स है उसको निकालना है सो so, उसके लिए हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रीमिंग ताकि इंटरनली स्मूथ सरफेस मेंटेन हो जाए नेक्स्ट वन दैट इज बोरिंग ऑपरेशन बोरिंग ऑपरेशन में यहाँ पे मैं जस्ट एक आपको पहले दिखा देता हूँ मान लो कि पहले कोई हॉल ये साइज का बना दिया है आपने जिसका डायमेंशन है दस एम ठीक है टेन एम एम का एक आपने एक वर्क पीस में हॉल क्रिएट कर दिया है और अगर आपको यही जो हॉल है उसको बड़ा बनाना है मीन्स आपको ये हॉल का साइज़ है वो बीस एम एम करना है ट्वेंटी एम एम तो उसके लिए बोरिंग ऑपरेशन यूज़ होता है सो so, एक बार हॉल क्रिएट कर लिया है और उसी हॉल को बड़ा करना है एनलार्ज करना है सो so, उसके लिए बोरिंग ऑपरेशन यूज़ होता है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनिशियली अभी हम देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा हॉल है इनिशियली और अगर ये हॉल को बड़ा करना है तो बोरिंग ऑपरेशन यूज़ होता है सो एक बार क्रिएट किया हुआ हॉल को एनलार्ज करना है उसका हॉल डायमीटर तो वो बोरिंग ऑपरेशन से पॉसिबल पौसिब। है और जो टूल यूज होता है उसको बोलते हैं बोरिंग बार सो तीन ऑपरेशन देखे पहला ड्रिलिंग देखा हॉल बनाने के लिए दूसरा रिमिंग देखा इंटरनल सरफेस क्लीनिंग के लिए स्मूथ बनाने के लिए थर्ड वन इज बोरिंग जहां पे आप डायमीटर एनलार्ज कर सकते हो हॉल का फोर्थ वन दैट इज काउंटर बोरिंग काउंटर बोरिंग यानी कि आपको दो स्टेप में हॉल को बनाना है मान लो कि आपने नॉर्मल आप ड्रिलिंग में ऐसे सिंगल हॉल क्रिएट करते हो ठीक को है कोई भी वक्त से उसमें अगर आप हॉल क्रिएट करते हो तो ऐसे सिंगल पूरा ड्रिलिंग करते हो ये वाला पोर्शन सो दैट इज द ड्रिलिंग बट काउंटर बोरिंग में क्या है सो so, uh, मान लो कि एक हॉल है uh, जिसको आपको ऊपर की साइड पे मीन्स बड़ा हॉल रखना है इतने साइज़ का ठीक है और नीचे का पोर्शन है वो आपको छोटा हॉल रखना है ऐसे ठीक है सो यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको बोलेंगे काउंटर बोरिंग मीन्स यहाँ पे दो स्टेप में हॉल है पहले स्टेप में हॉल का जो डायमीटर था वो था ये वाला डायमीटर Uh, जिसको हम रख लेते हैं ट्वेंटी एम फॉर एग्जाम्पल एंड नीचे का पोर्शन है उसको हम रख लेते हैं सेवन एम mm. तो ये जो है आप देख सकते हो कि दो स्टेप में हॉल है नीचे वाला पोर्शन है वो का छोटा है ऊपर वाला पोर्शन है वो का वो बड़ा है सो दिस इज़ द काउंटर बोरिंग ऑपरेशन सो यहाँ पे आप ऑपरेशन में भी बाजू में देख सकते हो काउंटर बोरिंग कैसे होता है सो so, यहाँ पे काउंटर बोरिंग टूल से हम काउंटर बोरिंग कर सकते हैं एंड जो हॉल क्रिएट होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही वाला हॉल है और उसको आप ऊपर से देख सकते हो ऊपर का डायमीटर बड़ा है और नीचे का डायमीटर है वो छोटा है अंदर का डायमीटर यहाँ का ठीक है सो दिस इज़ द काउंटर बोरिंग ऑपरेशन दो स्टेप में आपको हॉल को क्रिएट करना है ऊपर का पोर्शन बड़ा और नीचे का पोर्शन छोटा रखना है तो नेक्स्ट वन दैट इज काउंटर सिंकिंग काउंटर सिंकिंग यानी कि अगर हॉल आपने क्रिएट किया है और ऊपर का जो सरफेस है हॉल का वो आपको कौन सेप में रखना है कोनिकल सेप ठीक है हॉल का सरफेस आपको कौन सेप में डिज़ाइन करना है ऐसे तो उसके लिए जो ऑपरेशन होता है दैट इज काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन और यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ काउंटर सिंकिंग देखने में कैसा रहेगा सो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है काउंटर सिंकिंग का और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर का पोर्शन है वो कॉनिकल सेप में है और जो एंगल रहता है वो सिक्सटी टू एटी टू डिग्री वेरिएशन में रहता है जो एंगल ऊपर का जो रहता है कोन का वो सिक्सटी डिग्री से लेके एटी टू डिग्री तक वेरिंग होता है काउंटर सिंकिंग में नेक्स्ट वन दैट इज़ स्पॉट फेसिंग स्पॉट फेसिंग जनरली ये ऑपरेशन अगर हमने ऑलरेडी हॉल क्रिएट किया है सो so, उसकी ऊपर की सरफेस को अगर स्मूथ करना है ऐसे ठीक है टॉप सरफेस को तो उसको बोलते हैं स्पॉट फेसिंग ठीक है facing, आ, तो ये ऑपरेशन जनरली हॉल के ऊपर के पार्ट में भी परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ एक हॉल बनाया है दो स्टेप में ठीक है सो ये पहला स्टेप उसका और ये दूसरा स्टेप हॉल का ठीक है ये दो स्टेप में हॉल क्रिएट किया है तो मान लो कि ये वाली जो सरफेस है यहाँ की और यहाँ की सरफेस उसको अगर आपको स्मूथ करना है तो आप स्पॉट फेसिंग से भी कर सकते हो ठीक है सो दिस आर दी दिस आर दिस ऑपरेशन इज नोन एज स्पॉट फेसिंग जिसमें आप टॉप सरफेस को स्मूथ कर सकते हो बिल्कुल यहाँ पे जो दिख रहा है इसी तरह ओके सो दैट इज़ स्पॉट फेसिंग ओके नेक्स्ट वन दैट इज़ टैपिंग टैपिंग यानी so कि इंटरनली थ्रेड बनाना ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे जो टैपिंग टूल है ठीक है उससे हम ऑलरेडी जो हॉल क्रिएट किया हुआ है उसमें हम ऐसे थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं इंटरनल साइड पे सो so यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टैपिंग टूल है वो ऊपर नीचे मूव हो रहा है ओके okay? एंड उसके ऊपर थ्रेड रहते हैं और ऐसे ही थ्रेड्स यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं ऑलरेडी क्रिएटेड हॉल में सो so, ये था फ्रेंड्स आज के लिए और एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं सो फर्स्ट वन दैट इज़ ड्रिलिंग ऑपरेशन यानी कि हॉल क्रिएट करना सेकेंड वन दैट इज़ रीमिंग ऑपरेशन एंड रीमिंग में रीमर टूल यूज होता है और हॉल जो ऑलरेडी बनाया हुआ है उसकी इंटरनल सरफेस को हम स्मूथ बनाते हैं रीमिंग से थर्ड वन दैट इज़ बोरिंग ऑपरेशन बोरिंग यानी कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड हॉल है उसका डायमीटर हम एनलार्ज कर रहे हैं डायमीटर बढ़ा रहे हैं हॉल का सो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एस बोरिंग फोर्थ वन दैट इज काउंटर बोरिंग काउंटर बोरिंग यानी कि ये ऊपर का पोर्शन है हॉल का और ये नीचे का पोर्शन है सो so ऊपर के पोर्शन को हम ज़्यादा डायमीटर दे रहे हैं और नीचे के पोर्शन में हम कम डायमीटर का हॉल रख रहे हैं सो so दो स्टेप में हॉल बनाया हुआ है इसको बोलते हैं काउंटर बोरिंग नेक्स्ट वन काउंटर सिंकिंग जहाँ पे हमने देखा था कोनिकल सरफेस हमने डिज़ाइन किया था स्क्रू इजीली फिट हो जाए इसीलिए सो दैट इज़ द काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन और यहाँ पे मैंने बताया था कि सिक्सटी टू एटी टू डिग्री हम एंगल है वो वेरी कर सकते हैं नेक्स्ट वन दैट इज़ स्पॉट फेसिंग हॉल की या फिर किसी की भी ऊपर की सरफेस को मीन स्मूथ फिनिशिंग देना है सो दैट इज स्पॉट फेसिंग एंड टैपिंग टैपिंग यानी कि इंटरनली थ्रेड बनाना इसको बोलते हैं टैपिंग सो so ये सभी ऑपरेशन हमने जान लिया और समझ भी लिया कि कैसे दिखने में रहते हैं और क्या करते हैं ये ऑपरेशंस सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही थैंक यू वेरी मच प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बैल आईकॉन इफ़ यू वॉन्ट सच ए काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉन टेक्नोलॉजिकल एंड अपडेटेड वीडियोज़ थैंक यू Stay safe. Take care.